भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में ये लाइन तुम लोगों को साक्षात रूप में देखने को मिलेगी। आसान भाषा में बोलूं तो जब कोई नेगेटिव एनर्जी किसी इंसान को अपना घर बना लेती है तो फिर वो इंसान अपने आप पे अपना कंट्रोल खो बैठता है। लेकिन अगर खुद बजरंगबली आपके रक्षक हों तो फिर डरने की कोई बात नहीं। हर साल यहाँ लाखों हजारों पीड़ित आते हैं और ठीक होकर खुशी खुशी अपने घर जाते हैं। कहते हैं कि इस मंदिर में बालाजी भैरवनाथ और प्रेतराज सरकार जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं उनको सजा देती हैं और पीड़ित को ठीक कर देती हैं। इस मंदिर की कुछ मान्यता है, जैसे प्रसाद घर ना लेके जाना, मुख्य मंदिर के अलावा किसी से प्रसाद ना लेना, मंदिर से बाहर निकलते वक्त पीछे मुड़के ना देखना। साइंस कहती है कि एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, और श्री कृष्ण ने भी ये कहा है कि आत्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। इसलिए यहाँ पीड़ितों को नेगेटिव एनर्जी से ठीक तो किया जाता है, लेकिन वो नेगेटिव एनर्जी एनवायरमेंट में ही रहती है। तो इसलिए बोला जाता है कि मंदिर से निकलते वक्त पीछे मुड़के ना देखें। इन बातों में कितनी सच्चाई है ये वही बता सकता है जिन्होंने इसे महसूस किया है। अगर आप इन चीज़ों को नहीं मानते तो ना माने, लेकिन मेरी विनती है कि किसी का मजाक ना उड़ाएं, क्योंकि पीड़ित और उसके परिवार पर क्या गुजरी है उसका आपको कोई अंदाज़ा भी नहीं। हर सवालों का जवाब शब्दों में नहीं होता। तो आज हम जाएंगे मेहंदीपुर बालाजी, है ना? मेहंदीपुर बालाजी है ना? हाँ, जो कि राजस्थान में। तो जीजा ने अभी मुझे आके दुकान में बताया, तो मैं भी जाऊंगा इनके साथ। जूस पीते पीते मूड बन गया, कल मंगलवार है तो घूमने चलेंगे। इनका मूड बन गया, अब मैं भी जाऊंगा इनके मूड के मुताबिक। तो अभी तो ये जूस पीने आए दुकान पे, रोज आते जूस पी कर चले जाते हैं। वो खुला हुआ है देखो। तो हम भी जाएंगे अब मेहंदीपुर बालाजी, और मैं अकेला नहीं जाऊंगा, बाकी सब लोग जाएंगे। अभी पता चल जाएगा कौन कौन जाएगा, इन बड़ा मजा आएगा। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, खींच के मजेदार, और मैं जूस बना लूं थोड़ा और पी। तो दिखाते हैं आपको आगे, पहले अभी जूस बनाते, दुकान को बढ़ाते। दोस्तों फाइनली सब रेडी हो चुके हैं, कौन कौन जा रहे हैं मैं अभी दिखाता हूँ। मैं अपने घर से निकल रहा हूँ, बहन की घर की तरफ, क्योंकि सब वहीं से जा रहे हैं। मेरे मम्मी पापा नहीं जा रहे काम की वजह से, तो मैं निकलता हूँ। कोई नहीं जा रहा मेरे घर से, तो मैं अकेले जा रहा हूँ, और वो भी पहली बार। जैसे वैष्णो धाम गया था, बालाजी जा रहा हूँ। तो चलते हैं, रात रात दोस्तों के साथ ही। दोस्तों ना सोनिया के साथ जा रहा हूँ। मेरे सब ये आ रही है, मैं ये जो वैष्णो धाम गए थे सब है, शुभजीत को छोड़ के। शुभजीत कहाँ गया? शुभजीत अभी भाभी के पास गया। देखो मेरे लड्डू गोपाल को, देखो हिमू को, कितने सुंदर लग रहे हैं हमारी हिमू। इस बार नया मेंबर भी आ रहा है, देखो पिद्दी मानी। इसकी तो आशा करते हैं आप लोग सब ठीक होंगे। मैं आ गया हूँ ब्लॉग में दोबारा, और मैं तो वही मैंने बोला था ना, बहुत लोग होंगे। बस में 7 घंटे लगते हैं। तो दोस्तों हम लोग जा रहे हैं बस से, बस मिलेंगे 7 घंटे के अंदर। तो फिलहाल हम मेट्रो स्टेशन, अब ट्रैफिक एड उड कर मेट्रो से जाएंगे, ढोला कुआ से बस लेंगे, बस से फिर हमारा सफर स्टार्ट होगा। ठीक है, सब्जी पैड हो चुका है। ये तो मैं झूठ बोल रहा था, कह रहा था शादी में जा रहा हूँ, बट ये जा रहा है हमारे साथ। दोस्तों हम लोग ढोला कुआं आ चुके हैं, अब यहाँ से बस लेंगे और बस में जाके अपना सफर शुरू करेंगे। तो भाई लोग हम लोग बस से पहुंच गए फाइनली। यार देखो कितनी जबरदस्त भीड़ है, मैं तो आया हूँ यहाँ पे, रोड चल रहा है, और यहाँ पे ये देखो सब कुछ चाहिए पीछे वाली सीट में, और सब बैठ गए हैं, और इस तरफ, और इस तरफ बहुत बहुत भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ है। दोस्तों रात के 2 बज चुके हैं और हम लोग आ चुके हैं मेहंदीपुर। अच्छा लग रहा है, हमने रूम लिए तो सुबह निकलेंगे 4 बजे तक। अभी सब नाएंगे, धक्का मार रही थी मेरे को, फिर जाएंगे।
आप लोगों को मैं रूम दिखाता हूँ, रूम कितना बड़ा है। अच्छा ये देखो, ये है रूम, ये शुरू हुआ और यही खत्म हो गया भाई, ये तो शुरुआत ही खत्म हो गया। तो हम पहुंच गए भाई मेहंदीपुर, बालाजी तो अभी पहुंचे नहीं है, पहुंचेंगे अभी। टाइम हो रहा है कम से कम कितना बजे, टाइम हो रहा है, टाइम क्या हो रहा है, 2:30 बज गए रात के, सुबह के। और देखो सड़क में कोई नहीं है, खाली है। आज मंगलवार है, ठीक है, जय श्री बालाजी, पहुंच गए। और ये देखो भीड़ आ रही है धीरे धीरे, तो हम फटाफट तैयार हो रहे हैं और तैयार इस रूम पे हो। हमने रूम रेंट लिया है और बहुत महंगे महंगे रूम है यहाँ पे। वैसे तो बोलते हैं कि यहाँ यूट्यूब वगैरह में सस्ता हो जाता है यार, महंगे महंगे रूम में सब खा रहे, जितने भी बिल्डिंग है सब बड़े बड़े, ठीक है, मिलते हैं। और यहाँ देखो, यहाँ तो सारे अपने अपने बालाजी के दर्शन के लिए जा रहे हैं, आज मंगलवार है। और यहाँ जितनी भी बिल्डिंगें दिख रही, जितनी भी बिल्डिंग है, ये सब यात्री निवास है, ये सब धर्मशाला हैं, सबके अंदर सारी सुविधाएं हैं, सब बढ़िया बढ़िया बेहतरीन है। पैसे जरूर लेके आए, ठीक है, ओके। रेंट बहुत ज़्यादा है, कम से कम क्या बताए, बता नहीं सकते रात को 3 बजे उठ के। ओए, ओए, खा खा खा, इमानी, खा खा खा, खा खा खा, खा खा खा, खा खा खा, ऐड बना रही है। हम लोग रेडी हो चुके हैं, देख सकते हैं कपड़े चेंज कर लिए दर्शन के लिए रात के 3 बजे। तो दोस्तों यहाँ पर मंदिर के अंदर कुछ ले जान नहीं देते, तो इसलिए हमें लॉकर मिलेगा, इसमें हमने अपना सामान रख दिया, क्योंकि हमें इधर ही रूम के साथ मिला है, प्लस चप्पल भी पहन कर नहीं जा सकते, तो चप्पल भी यही उतारनी पड़ी, क्योंकि वहाँ कह रहे चोरी हो जाती है, कोई ले जाएगा फिर दिक्कत है, रिक्स है, तो इसलिए हमने अपना लॉकर में सामान रख दिया और चप्पल भी यही रख दी। तो अब जाते हैं दर्शन करने, और अगर आप भी आए तो आपको भी ऐसे रखना पड़ेगा। चलो जय बालाजी, चलो चलो, ये मंदिर में ही रह जाएगा, आपको मिलेगा नहीं। हाँ तो ये भी ठीक है, हमें तो यार जी का भोग है जो कि 191 मिलता है। लो भैया, ये लाइन देख रहे हो कहाँ दूर तक जा रही है, रात को भी दिख रहा है वो तो इसमें। ये देख रहे हैं दुकान वाले होते हैं यहाँ पर, जो धंधा चला रहे हैं यहाँ पर, यानी जो इनसे प्रसाद ले उनको पहले दर्शन कराएगा। ये ऐसे लोग भी हैं यहाँ पर, हर चीज में धंधा बना रखा है। इन्हें कहना मतलब है कि हमारे यहाँ प्रसाद लो, हम तुम्हें आगे जाके लाइन में लगवा देंगे। और ये जो यहाँ पर बैठे हुए लाइन में, ये देखो कितने लोग लगे हुए हैं, और ये ऐसे ऐसे लोगों को ये करवाता है, उस साइड घुसवा रहा है, ऐसे कर सबको स्कैम चल रहा है ये, इसलिए तो मन्नत पूरी नहीं होती ऐसे लोगों की। ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनको जल्दबाजी रहती है, आए तो टाइम निकाल के आए वरना मत आए, समझ लो यहाँ पे अर्जी लगा रहे हैं, फर्जी कुछ नहीं होने वाला है ऐसे लोगों का, ठीक है। वो बालाजी भी देख ही रहा है कौन ईमानदारी से आ रहा है, कौन कैसे आ रहा है। लोग यहाँ रात को 2-3 दिन ऐसे लगते ही आके यहाँ पर बीच में अपनी बाजी मारते हैं। देख रहे हो दोस्तों कितना भीड़ है, देखो लाइन, और ये देखो कितना भीड़ है, ये देखो पैर फैलाने का जगह नहीं, लोग धक्का मुक्की करके अंदर आ रहे हैं, दर्शन करने बालाजी के, जय श्री बालाजी, फटाफट अंदर से देवन आनी गरीब देती तब छाड़ी दियो कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में संकट मोचन नाम के हारो, संकट
सही गिरी जात महाप्रभु पंथ ने हर चौकी महामुनि साप दियो प्रभ चाहिए कौन विचार बेचारो के द्विज रूप लिवाए महाप्रभु सो तुम दास के शोक निवारो को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तुम्हारो संकट मोचन नाम तुम्हारो। अभी बहुत भीड़ है भाई, इधर बहुत ज्यादा है, ये देख सकते हैं आगे। अभी तो एंटर किया हमने, बहुत मजा आ रहा है, दर्शन करने जा रहे हैं। दोस्तों हम लोग दर्शन कर आ चुके हैं मेहंदीपुर बालाजी, बहुत मजा आया, बहुत खतरनाक था, लेकिन बहुत भीड़ धक्का मुक्की था, बहुत ज्यादा, बहुत मुश्किल से दर्शन हो पाता है, और क्योंकि आज मंगलवार भी था तो कुछ ज्यादा ही था भाई, इस वजह से बहुत भीड़ था। और यहाँ की मान्यता बहुत कि हम प्रसाद चढ़ा देते भोग लगने के बाद पीछे नहीं देख सकते, तो इसलिए हम तो सीधे देखेंगे। अभी यहाँ रुक के होटल में अपने घर में आने चलिए। अभी देखो गली में बहुत भीड़ है, गली में बहुत भीड़ है, ठीक है। और बात ऐसा है, हम लोग कितने बजे आते हैं यहाँ पहुँचे थे, करीब 3 बजे आए, तो 1 बजे ना आए, 1 बजे थे, फिर होटल बुक किया, फिर वहाँ पर रहे, थोड़ा विश्राम किया 2 घंटे, फिर लाइन लगना पड़ता है, पहले हमेशा लाइन लगा लेना पड़ा, धक्का मुक्की में जाओगे जब भी आओगे, बहुत भयंकर लाइन होती भाई, दबते बचे हम तो, हमारे साथ दादू थे बच गए, हम लोग बहुत यानी धक्का देते हैं, हम लोग बिल्कुल तड़प मची हुई है मिलने के। अब जा रहे हैं फैमिली के साथ, आओगे तो भाई लोग बहुत केयरफुली आना, थोड़ा देख के, ठीक है, बैकअप बना के आना, और सिंगल आओगे तो कोई बात नहीं, मजे में भाई, लेकिन फैमिली के साथ आना, पहले आना, पहले होटल बुक करा लेना, पास में करना, इधर होटल वगैरह पहले बुक करा लेना भाई लोग, उससे क्या होता है यार, तुम लोग फटाफट आओगे, अपना रिफ्रेश होगे, खाना वाना खाओगे, फटाफट लाइन लग सकते हो, लाइन लगना बहुत ज़रूरी है, तभी हो पाएगा, और रात ही को लाइन लगना, और ख़ास कर तब लाइन लगाना, और बहुत ज़रूरी है सैटरडे और ट्यूजडे हो, ठीक है, ओके, मिलते हैं अभी। अभी देखते हैं यहाँ पे पहाड़ी पे भी जाने का प्रोग्राम बन रहा है, क्या सीन होता है, बड़ा मज़ा आएगा पहाड़ी पे, वैसे तो गए थे वैष्णो देवी, लेकिन वैष्णो देवी जो शांत प्रभाव से वहाँ दर्शन हुआ, यहाँ पे बहुत धक्का मुक्की है, मतलब टूट पड़ रहे हैं एक दूसरे पे, मैं पहले भी कराया भाई। देखो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी स्टॉल है, राजस्थानी ड्रेस मिल रही है, जो पूरा गेटअप देता है, पूरा मस्त लग रहा है देखने में, और भी राजस्थानी जूतियाँ यानी सब, अभी और भी खुलेगा, अभी खुला नहीं है दुकान है, तुम लोग आओगे अपने। तो अब हम जा रहे हैं जीजा बताएंगे, मामा कैंटीन जा रहा हूँ, मामा कैंटीन, किसी ने हमें सजेशन दिया कि हम मामा कैंटीन में जाओ, देखते हैं मामा कैंटीन कहाँ है, ये है मामा कैंटीन, कैसे हो मामा जी, ये मेरे मामा है, ये मेरी कैंटीन है, और ये इधर साइड में खड़ी कैंटीन, मामा की कैंटीन में तो अभी खाना बन रहा है, तो अभी हम सोच रहे हैं 3 पहाड़ी घूम कर आ जाए, जब तक मामा की कैंटीन में जाएंगे, और यहाँ पे क्या बताऊँ, बाबा का मूड खराब है, बाबा कह रहे हैं कि मैं 3 पहाड़ी नहीं चढ़ूंगा, मैंने वैष्णो देवी को बहुत चढ़ाई चढ़ रही थी, अब 3 पहाड़ी नहीं होता मुझसे, छोटा पहाड़ी है अभी, देख ले भाई हो भाई, ये गाय पिता है, माता जी का है अपना, ये बालाजी का साइन ले लिया इसने, टिप्पणी ने जी जी मैंने भी, और पीछे दिख रहा किस किस में, तो दोस्तों हम आ चुके शिव जी के मंदिर, और सामने देख सकते हो वहाँ भी एक पहाड़ है, और सामने वहाँ भी पहाड़ है, यहाँ भी पहाड़ है बहुत ऊँचे ऊँचे, हम लोग उस पहाड़ में आना था पर उस पहाड़ पर बंद है अभी, इधर आए हम लोग 3 पहाड़ी पे, वो 11 पहाड़ी है, ऐसी 5 पहाड़ी है, ऐसे बोल रहे लोग मुझे, मैं बता रहा हूँ आपको। खाना खा के निकलेंगे हम अपने शहर दिल्ली के लिए रवाना हुई है बस।
तो फ्रेंड्स मैं हॉस्पिटल में हूँ। तो दोस्तों हमने खाना खा लिया है, ये डॉक्टर के पास आए हैं हम, आया हॉस्पिटल क्योंकि सुभजीत की जो है ना तबीयत खराब हुई थोड़ी, लेटा पड़ा आराम कर रहा है, पता नहीं क्या हुआ, खाते खाते उसे चक्कर आने लगे, हम यहाँ आ गए, जीजा यहाँ खा रहे हैं, फिर हम निकलेंगे दिल्ली। और तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा यहाँ पर, बहुत सी चीज़ें हमने देखी नई और क्या पॉजिटिव वाइब है ना, मज़ा आ गया। नेगेटिव तो है ही बहुत, पर जो अंदर जाते जाते भाई रोम पे खड़े हो रहे थे, और ये सुभजीत बीमार पड़े चक्कर आ गए थे, ऐसे पड़ा हुआ इसको लेके आया था मैं डिस्पेंसरी ये वाला पीछे हुआ ना इधर, हाँ वो रहा दिख रहा है, ये रहा डिस्पेंसरी और एक पड़ा हुआ दिख रहा है, भाई जब अंदर जा रहे थे ना बहुत रोम पे खड़े हो गए थे मेरे, तो बहुत मज़ा आ गया था बहुत ज़्यादा। तो अच्छा रहा हमारा एक्सपीरियंस बालाजी में, हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, तो हमने बहुत सी जगह घूमाया। तो अब निकलते घर, और घर में वही पुराने दिन जीते जो जीते, याद करेंगे। तो भाई साहब आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा बताइए थोड़ा भी, न्यूज़ वाले आए दीपू न्यूज़ चैनल, अरे बताइए मौन क्यों है, क्या भूत भूत पकड़ गया तुम्हें छूटता है सबका तुम्हें पकड़ रहा है सोनिया, तुझे कैसा लगा ना? सोनिया तुम्हें कैसा लगा, मुनमुन कैसा लगा? भाई भीड़ इतनी थी मुनमुन की टांगे कुचल दी लोगों ने तो वो मैं वीडियो बना नहीं पाया, बहुत दब गए थे हम लोग। तो अभी बताइए अपना एक्सपीरियंस बता, कल रात से अभी टान हुए हम तो मर चुके हैं, इतनी थक चुके हैं कल से, चल चल के मजा आ गया। तो इसी के साथ ये ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं करते हैं, वो भी बताया वो बहुत लड़ाई में अच्छा लगा बस अच्छा लगा ज्यादा मजा नहीं, अच्छा लगा। अभी हम पार्क में है महेंद्रपुर बालाजी के सामने, और ये बालाजी के याद बालाजी के ही नाम पे है ये हॉस्पिटल डिस्पेंसरी बना, हॉस्पिटल नहीं है। और इस डिस्पेंसरी का तो मैंने व्यू दिखा दिया अंदर कैसे है, ठीक है, दवाई दिया बहुत सारे, बस बोला कि गैस का दवाई मिलेगा यहाँ, बाकी बाहर यहाँ पे है क्लिनिक है यहाँ पे, यहाँ से मिलेगा, ये होता है बिजनेस, ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट। अभी डेवलपमेंट भी हुआ ढंग से, अरे वाला बिजनेस बताओ ना, और 11 साल बाद बच्चे हुए, हाँ यार यहाँ क्या बताऊँ यहाँ तुम लोग आना यार, कोई भी पैसे मांगे 10 रुपए ये वो, तुम्हारी इसी कसम उसी कसम, तुम्हारा बाल बच्चे खुश रहेंगे, फलाना ढींगा ये वो जो भी होता है, किसी को पैसा मत देना, सब बेकार है, ठीक है भाई। बहुत से तो ऐसे मिले, बद्दुआ भी दे देते हैं बोल कर तो उठा के मार, बहुत से तो ऐसे मिले जो ये बोलते हैं हमारा 11 साल बाद घर में पोता हुआ है, हमने मुराद रखी थी, हम भीख मांगे, बता यार क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है। तो हमने पहले आपको बता दिया, तो आप ऐसा मत करना अगर आओ तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो भाई लोग हम लोग राजस्थान के बीचों बीच में, ये देखो अभी तुम्हारे पीछे हमारी बस खड़ी है, मतलब हमारी नहीं है जिसमें हम सवारी हो रहे हैं वो वाली बस है, और यहाँ लोग पीछे से फ्रेश हो रहे हैं बाथरूम के लिए, और देखो खेत गेहूँ का खेत है, ठीक है। अभी हमने आइसक्रीम का, ये गांव वाला आइसक्रीम ख़त्म हो गया, मैं तोतला सा बोल रहा हूँ थोड़ा सा, मेरा जीप ठंडा हो गया इसीलिए, समझ रहे हो ना। देखो दोस्तों यहाँ पर तो कटाई भी शुरू हो गई खेत की गेहूँ की, यानी यहाँ ये नज़ारा देखकर तो मुझे अपने गांव की याद आ गई, कितना मस्त नज़ारा है। सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों जो फर्ज से भरा था बस्ता वो भी खाली हो गया, बुरा है जमाना तू चिंता कर ना कर।
अगर मगर।